हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अज आप करनी हैगी आइस रीडिंग। आइस रीडिंग में अपने को है ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। ठीक है, ये नाल दा मैच एक सैक्शन होंगे येस नो नॉट गिवन। अज आप इस वीडियो में दो प्रॉब्लम्स की गल करनी हैगी बच्चे जो मोस्टली फेस करते हैं। फर्स्ट तो हैगी ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक हैगा गा कि बहुत सारे बच्चे पूछते कि एग्जैक्ट लोकेशन पर भी चल के आंसर नहीं एक्यूरेट फाइंड होता। ठीक है, वो गल करांगे आपां। तो देखते हैं हूँ आप जो टिप्स एंड ट्रिक्स की गल करनी है 100% वर्किंग होनी है। ठीक है, ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन लिए तो तुम्हें इस वीडियो में देखने तो बाद ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आऊगी। तो हूँ आप देख लीए अपने को अनमास्किंग स्किन। ट्रांसलेशन की गल करिए, अनमास्किंग का मीनिंग नहीं पता, स्किन का तो पता है, कॉमन वर्ड हैगा स्किन, कुछ वर्ड्स तो अपन पता होंगे। ठीक है, ट्रांसलेशन हूँ देखो जो मैं अपनी गल करा कि जे मैं ये मान लो जो वर्ड अपने को 30 है। ठीक है, एक पैराग्राफ तो यह तो नहीं मतलब हैगा कि जे मैं एक जरा है ना पैराग्राफ पढ़ती हाँ तो मैं 30-30 मीनिंग ही पता होगी। नहीं, कि हो सकता मैं 15 से पता हो, 20 से पता हो, है ना, कुछ भी हो सकता। तो फिर यदि अपने बहुत ही क्लीयर गल हैगी कि ट्रांसलेशन जी हर एक वर्ड का मीनिंग हर एक ह्यूमन बीइंग नहीं पता होंगे। ठीक है, कुछ तो वर्ड्स हो सकते हैं जिन्हों का अपन मीनिंग नहीं पता। ठीक है, बाकी अपनी जी प्रैक्टिस इंप्रूव होती हर एक वर्ड का अपन मीनिंग पता लग जाता वा। तो हूँ आप देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से चलते हैं। देखो फर्स्ट आप इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। मैं इंस्ट्रक्शन हर बार इसलिए कहनी है कि जो इंस्ट्रक्शन बहुत सारे बच्चे एग्जाम के प्रैशर के है ना, जो ट्रू फॉल्स है तो यस नो लिख देंगे, यस नो है तो ट्रू फॉल्स लिख देंगे, ये भी रोंग हो जाता है। ठीक है, जब जो तुम ट्रू हैगा तो नॉर्मली टी पा के छड़ देने, फॉल्स हैगा तो नॉर्मली एफ पा के छड़ देने। आई होप जे आज के स्टूडेंट उन्होंने चंगी तरह पता होगा कि आप फुल लिखना होंगे ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, नॉट गिवन हूँ आप गल करते हैं ट्रू किदा आता। ठीक है, बहुत सारे बच्चों तो यही नहीं हले तो समझ हैगी कि ट्रू किदा आता, फॉल्स किदा आता, नॉट गिवन किदा आता। तो ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चे नॉट गिवन च क्रिएट करते हैं, आप पहले वो समझेंगे। ठीक है, देखो हूँ अपने को जो ट्रू वो किदा आता, ट्रू ये है भी जे अपनी स्टेटमेंट बिल्कुल मैच कर जाती है जी इनफोरमेशन पई है। ठीक है, इतने अपन दसते हैगे फुल दसे अपन। ठीक है, इफ़ द स्टेटमेंट एग्रीज विद द इनफोरमेशन, ठीक है, ट्रू फिर आएगा। तो फॉल्स की होगा जो तो कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, बिल्कुल ही उससे उल्ट होगी। ठीक है, दोनों उल्टा लाइक स्टेटमेंट एंड इनफॉर्मेशन आपस में मिलते नहीं है तो फॉल्स आगा। हूँ अपन नॉट गिवन की गल करिए, नॉट गिवन किदा आता, नॉट गिवन की लोकेशन मिलती हैगी है, इनफॉर्मेशन नहीं मिलती। मोस्ट ऑफ द चांस यही होंगे, बहुत रेयर चांस होंगे कि अपन लोकेशन नहीं मिलती। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जी नॉट गिवन की अपन लोकेशन मिल जाती है बट इनफॉर्मेशन नहीं मिलती हैगी। ठीक है, ये अपन स्पैशली इतने भी मैनशन किया हों इफ देर इज़ नो इनफॉर्मेशन, बट इन्होंने यह नहीं कहा कि नो लोकेशन। ठीक है, इतने लोकेशन भी कह सकते थे बट वो कहते जो इनफॉर्मेशन नहीं हैगी उदो नॉट गिवन आना, ना कि लोकेशन से। ठीक है, लोकेशन होंगी है मोस्टली। हूँ आप देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से चलते हैं। ईवन साइंटिस्ट हैव डिफिकल्टी, वो कहते साइंटिस्ट नू कोई प्रॉब्लम हैगी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तोड़ तोड़ के एक एक वर्ड पढ़ लो। हाउ अवर सेंस, जी अपनी सेंस आ, ठीक है, कादी सेंस टच दी। ठीक है, टच वो कितना काम करती है, ठीक है, वर्क्स कितना काम करती है वो देखना आप। कि उन्होंने कोई साइंटिस्ट में कोई प्रॉब्लम है, आप दो कीवर्ड्स लेने हैं पहले क्वेश्चन, ये टिप हैगी अपनी। ठीक है, जोड़ा अपन मेन कीवर्ड लगता पिकअप करो, दैन है उत्थे चलो। ठीक है, हुण ईवन एक कॉमन वर्ड आ, मैं इतने कीवर्ड का भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दी कि आप किदा कीवर्ड ले सकते। ठीक है, एक क्वेश्चन में दस दूंगी, तुम नैक्सट देख लेना। देखो ईवन आप कीवर्ड नहीं मान सकते क्योंकि एक हूँ अपने को पूरा पैसेज आ, ईवन किन्नी भी जगह पर हो सकता, साइंटिस्ट भी किसी मर्जी जगह पर हो सकता। ठीक हैव, ठीक है, हूँ आप डिफिकल्ट वर्ड, हूँ हर एक थान पर मुश्किल तो नहीं है ना एक्सप्लेन की होगी, डिफिकल्ट वर्ड आ सकता अपने को। ठीक है, एक कीवर्ड फिर अपने को जे आप डिफिकल्ट भी एक कॉमन मान लीए है ना, तो अपने को नैक्सट आ गया अंडरस्टैंडिंग। देखो अंडरस्टैंडिंग जगह जगह पर नहीं होगा, ये अपना जो मेन कीवर्ड है। ठीक है, हूँ अपने को डिफिकल्ट हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया एंड टच हो गया। ठीक है, जे टच दी सेंस चलते हैं हूँ आप डायरेक्ट जो पैसेज से देखो अपन कितने मिलता है। जो आप एक वर्ड माइंड में रखते तो बड़ा ईजीली मिल जाता, तुम ट्राई करके देख सकते हो। देखो मैनू वर्ड मिल गया, टच मिल गया, अंडरस्टैंड मिल गया, लेकिन हूँ आप एक्यूरेट लोकेशन पर पहुँच गया। लोकेशन ईजीली बच्चे काफ़ी फाइंड कर लेंगे है, आंसर नहीं फाइंड होता। हूँ आप देखते हैं, ठीक है, वाइल द इफेक्ट्स ऑफ टचिंग आर ईजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, वो कहते जे ईजी है अंडरस्टैंड करने, ठीक है, भावें वो मतलब अंडरस्टैंड करने, बट द मकैनिक्स ऑफ इट्स आर लैस सो। मकैनिक्स वर्ड कि यूज़ किया साइंटिस्ट लिए, ठीक है, क्योंकि हम टच की गल करिए मकैनिक
मतलब साइंटिस्ट लिए यूज़ किया है ना, कॉमनली वर्ड अपन समझ आता जो कहते मकैनिक वह बहुत लैस है ठीक है, उन्होंने मतलब अंडरस्टैंडिंग दे विच लैस तो मतलब कि उन्होंने प्रॉब्लम आती हैगी है ना, तो जो अपना आंसर हैगा गा जी इनफॉर्मेशन ती एंड स्टेटमेंट बिल्कुल मैच कर गई है तो आंसर की बनता अपना ट्रू ठीक है। हूँ आप एक जरा ये कर लिया हैगा गा, नैक्सटली मैं कहनी हैगी कि तुसी मैं लोकेशन दसूँगी थोनू ठीक है, कलर चेंज कर देने ना बिल्कुल चंगी तरह एक्सप्लेन हो जाता वा पता भी लग जाता। हूँ आप जो नैक्सट करना हैगा मैं ठीक है एक बार लोकेशन तक पढ़ाऊँगी, पहला लोकेशन तक लैके जाऊँगी ठीक है, उत्थे तुसी वीडियो नू पाउज कर लेना, मैं पहले ही दस दी ऑनेस्टली वीडियो नू पाउज करो ठीक है, दैन तुसी जो आंसर तुहानू जो भी लगता ट्रू फॉल्स नॉट गिवन मैं लोकेशन ते लैके जाऊँगी उत्थे पढ़ाऊँगी ठीक है, तुहानू दसूँगी भी ये वाली हैगी है, तो तुसी इत्थे आप दसना हैगा कि आंसर की बनता अपना ठीक है। हूँ आप चलते हैगे हाँ अपने को पढ़ लगे, द स्किन इज मोर सेंसिटिव ठीक है, स्किन नो कहने मोर सेंसिटिव आ टू प्रैशर प्रैशर लाइक दैन टू टैंपरेचर और पेन ठीक है, हूँ वह कहने टैंपरेचर तो पेन ना जी स्किन सेंसिटिव का लिए प्रैशर लिए, तो अपने को मेन कीवर्ड कि हो गए प्रैशर टैंपरेचर और पेन ठीक है, तीन जड़े वर्ड अपने को मेन कीवर्ड आ प्रैशर टैंपरेचर और पेन देखते हैं हूँ अपने कितने मिलता है गा। देखो अपन इतने मिल गए ठीक है, अपन तीनों वर्ड्स मिल गए है प्रैशर टैंपरेचर पेन, ये तो होगी अपनी जी लोकेशन ठीक है, लोकेशन मैं थोड़ा दस दी कि ये लोकेशन हैगी है, तो हूँ आप एक देख लीए कि टाइम मैनेजमेंट की भी बच्चे प्रॉब्लम आती है, देखो जो हूँ आप नहीं पढ़िया अपना जो टाइम सेव होया ठीक है, डायरैक्ट आप दो तीन लाइनस इतों पढ़िया है ना आंसर आ गया अपना, फिर आप इतों अगे नहीं पढ़िया ठीक है, तो हूँ आप भी इतों छड़ रहे हैं ठीक है दो लाइनस, तो हूँ अपने को इतें आ गई लोकेशन, तो हूँ आप इतों स्टार्ट कर लेना इन सिंपल टर्म्स तो ये अपना टाइम सेव होया। हूँ देखते हैं लोकेशन हैगी है इन सिंपल टर्म्स तो लैके ठीक है, श्योर ही इज़ रोंग इतों तक अपनी लोकेशन हैगी है, तो हूँ मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी पहले एक बार तो तुम दसना ठीक है, इन सिंपल टर्म्स, सिंपल टर्म्स पीपल प्रिजर्व थ्री बेसिक थिंग्स ठीक है, पीपल जो प्रिजर्व करते हैं थ्री बेसिक थिंग्स वाया का स्किन दे ठीक वाया स्किन प्रैशर ठीक है, स्किन प्रैशर दे स्किन टैंपरेचर दे एंड स्किन पेन दे, तो हूँ अपने को जड़ा आप पढ़ लिया कहें जे पीपल प्रिजर्व करते हैं स्किन द्वारा स्किन दे प्रैशर द्वारा स्किन दे टैंपरेचर द्वारा एंड स्किन दे पेन द्वारा, फिर आप क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन अपन कहता सीगा कि वो जे स्किन आ मोर सेंसिटिव आ प्रैशर लई दैन टैंपरेचर और पेन लई, हुण तुसी इत्थे आंसर दसो कि अपना इत्थे आंसर की बनता, वीडियो नूं पाउज करो ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर दसो कि आंसर आऊगा, तो इत्थे बस वीडियो नूं पाउज कर दो हुण मैं खुद दा आंसर देन लगी हाँ। तुसी हुण देखो अपने इत्थे मिल गया कि उन्होंने कंपैरिजन किया ठीक है टैंपरेचर और पेन नाल, बट इतने अपने इनफॉर्मेशन मिल गई ठीक है, आप पढ़ भी लिया पर आपको जी डायरैक्ट गल कंपैरिजन नहीं कितने भी किया ठीक है, जो भी सेंसिटिव वर्ड नहीं आया ठीक है, एक उन्होंने यही नहीं दसिया कि प्रैशर लई सेंसिटिव हैगी है टैंपरेचर लई जां पेन लई है ना, कुछ भी नहीं अपन कोई सेंसिटिव की गल नहीं की हैगी, लोकेशन मिल गई इनफॉर्मेशन नहीं मिली तो मतलब की होया आंसर, आंसर हो गया नॉट गिवन ठीक है नॉट गिवन, तो अपने को सैकेंड आ गया नॉट गिवन, फुल लिखना है मैं बार बार दसती पी हाँ मैं जस एन जी पा के छड़ती हाँ, तो हूँ अपने को जो नैक्सट कर लीए आप ठीक है, द ह्यूमन स्किन इज ऑलवेज गुड एट रिपेयरिंग इट सैल्फ ठीक है, वो कहने जी ह्यूमन स्किन हैगी मतलब गुड आ कहते आप ही रिपेयर करने लाइक जो आपको है ना कोई प्रॉब्लम होंगी है सट वगैरह लगती हैगी तो वो कहते आप ही रिपेयर हो जाती जी ह्यूमन की स्किन है ठीक है, एक बच्चे ना बहुत ज़्यादा है ना ये प्रॉब्लम आती है कि आपकी जी खुद ही समझ आती है वह यूज़ करते हैं, लाइक हूँ जो अपने को इतने क्वेश्चन आ बच्चे है ना कहे कि जी हाँ जी भी है ना सट अपने आप ठीक हो जाती है तो ट्रू लिखते हैं, कई लगता नहीं भी आपके आप नहीं होंगी फॉल्स लिखते हैं, अपनी जी इंटैलीजेंसी आप इतने नहीं यूज़ करनी क्योंकि जो आज का टेस्ट इंटैलीजेंस बेस्ड नहीं है टिप्स एंड ट्रिक्स बेस्ड आ, जो अपन इनफॉर्मेशन दी आप आंसर सिर्फ वो है ना मतलब कि लाना है गा वो तरह कि कह रहे अपन पैसेज आप अपनी समझ बिल्कुल नहीं यूज़ करनी। हूँ अपने को इतने है द ह्यूमन स्किन इज ऑलवेज गुड, अपने को कीवर्ड की है रिपेयरिंग इट सैल्फ ठीक है, इट सैल्फ वर्ड आ गया ठीक है तो रिपेयरिंग आ गया, अपन टू वर्ड्स कीवर्ड है आप चलते हैं पैसेज से ठीक है, लो देखो अपन इट सैल्फ इतने मिल गया ठीक है, इट सैल्फ मिल गया तो रीपेयर का अपन मिल गया रिकवर ठीक है,
ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਐਕੂਰੇਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੀਵਰਡਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਆਪ ਜੇ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਲਿਟਲ ਸੈਲਫ, ਠੀਕ ਆ, ਸੈਲਫ ਰਿਪੇਅਰ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਰਿਪੇਅਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਬੀਨ ਅ ਫਿਊ ਡੇਜ਼, ਠੀਕ ਆ, ਬਟ ਮਾਈ ਲਿਟਲ ਸੈਲਫ ਰਿਪੇਅਰ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰਾਈਟਰ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰਾਈਟਰ, ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕੰਪਲੀਟ ਰਿਪੇਅਰ, ਆਪਣੇ ਆਂਸਰ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕੁਇਕਲੀ ਫਰੋਮ ਸਲਾਈਟ ਬਰਨਸ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਨਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਫ ਯੂ ਐਵਰ ਹੈਪਨ ਟੂ ਟੱਚ ਅ ਹੋਟ ਬਰਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟ ਬਰਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਨ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਟ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਸਟ ਪੁੱਟ ਯੂਅਰ ਫਿੰਗਰ ਇਨ ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਆ ਨਾ ਜੇ ਟੱਚ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਦਾ ਚਾਂਸ ਕੀ ਆ, ਆਈ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਨੋ ਬਲਿਸਟਰ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਬਲਿਸਟਰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਛਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲਿਟਲ ਲਿਟਲ ਪੇਨ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਸਕਾਰ, ਠੀਕ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਵੇਅਰ ਬਰਨਸ, ਠੀਕ ਆ, ਸਵੇਅਰ ਬਰਨਸ ਥਰੋ ਆਰ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਟਰ। ਸਵੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੰਭੀਰ, ਠੀਕ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗੰਭੀਰ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੀਨਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਅਰ ਬਰਨਸ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਥਰੂ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਟਰ ਆ, ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਕਿੰਨ ਆ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸੈਲਫ, ਠੀਕ ਆ, ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਲਾਈਕ ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਲਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੇਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਰਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਜ਼ਖਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥਰੋ ਆਰ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਟਰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੇਮ ਚੱਲੀ ਆਈ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਟਰ ਵੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਵੇਅਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਐਗਜੈਕਟ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਇੰਡ ਨਾਲ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਡਿਸੀਜ਼ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਟਰ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਗਈ ਨਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੁੱਡ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁੱਡ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਟਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਫਾਲਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਾ ਗੰਭੀਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤੀ ਕਿ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸਕਿੰਨ ਇਟ ਸੈਲਫ ਆਪਣਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਟਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਗਈ ਉੱਥੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਰਡ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਫੁੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਬੇਸਡ ਸੀਗੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਸਟ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਪਸ ਟ੍ਰਿਕਸ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਐਂਡ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਊਂਗੀ। ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ, ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।